नमस्ते जी, मेरा नाम गुणदीप सिंह है और ये मेरे ब्रदर हैं गुरबीर सिंह। हम बीजे फार्म लुधियाना गांव सराबा से बिलोंग करते हैं। अगर हार्वेस्टिंग की बात करें तो आज हम बात कर रहे हैं न्यू हॉलैंड का जो कंबाइन हार्वेस्टर है TC5.30। तो 1983 में बीजे फार्म हमारे फादर ने जो कंबाइन हार्वेस्टर की उनको ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने ट्रैक्टर माउंटेड तभी हार्वेस्टर आते थे तो उन्होंने ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर 1983 में पहला बाय किया था। तो उसके बाद उन्होंने दूसरा हार्वेस्टर है जो सेल्फ प्रोपेल्ड तकरीबन उसके 6-7 साल बाद स्वराज का 8100 मॉडल आता है तो वो उन्होंने बाय किया। तो तकरीबन आप देख लीजिए 26-27 साल हो गए हैं तब से लेके अब तक हम स्वराज 8100 हार्वेस्टर यूज़ करते आ रहे हैं। तो इतने सालों में हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दिया जो मार्केट में ऑलरेडी हार्वेस्टर चल रहे हैं कि उनमें कोई मेजर अपडेट ऐसी आई हो कि हम अपना हार्वेस्टर चेंज करें, उस पर नई इन्वेस्टमेंट करें। मगर इस साल क्या हुआ कि जो न्यू हॉलैंड कंपनी है तो उन्होंने ये हार्वेस्टर निकाला TC5.30 जो हमारे पीछे खड़ा है। तो इन लोगों ने हमें बोला कि इनके साथ बिकॉज हमारा इनके साथ रिलेशन है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, अभी 10-12 साल पुराना रिलेशन है। तो सभी ट्रैक्टर्स हमारे पास न्यू हॉलैंड के, हम न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं अपनी फार्मिंग के लिए। तो उन्होंने हमें बोला कि जैसे आप हमारे ट्रैक्टर से सेटिस्फाइड हैं तो एक बार हमारी कंबाइन हमने नई बनाई है तो इसको भी आप एक बार मौका दें, इसको ट्राई करके देखें तो डेफिनेटली आपको इसमें कुछ अच्छा नज़र आएगा। तो जब इन्होंने हमें अप्रोच किया तो तब हम मेज़ हार्वेस्टिंग कर रहे थे तो इन्होंने हमें बोला कि ये हमारा डेमो वर्जन है। तो इन्होंने हमारे पास अपना डेमो वर्जन भेजा तो हमने उसके साथ मेज़ हार्वेस्टिंग की। तो जब हमने मेज़ हार्वेस्टिंग की तो हमने देखा कि जो हमारे पास ऑलरेडी दूसरे ब्रांड की कंबाइन मेज़ हार्वेस्टिंग कर रही थी तो कंपैरेटिव उसके जो इसकी हार्वेस्टिंग क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी और इसमें कोई चोकिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें लॉसेस कम थे। तो हमने तभी हमारा थोड़ा थोड़ा मन हुआ कि यार ये कंबाइन जो है, जो दूसरी वाली कंबाइन है उनसे काफ़ी डिफरेंट है। तो हमने इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी कैलकुलेट की, हमने इसका मैकेनिज्म भी देखा तो वो सब मिला के हमें लगा कि यार ये कंबाइन को एक बार तो चांस देना बनता है क्योंकि न्यू हॉलैंड ने इतनी मेहनत करके ये कंबाइन बनाई है तो एक बार इसको ज़रूर चांस दें। तो डेमो के दौरान हमने ये रियलाइज़ किया कि जो इसकी पर आवर पर एकड़ हार्वेस्टिंग है वो भी ज़्यादा है। ठीक है जी, हार्वेस्टिंग नंबर ऑफ एकड़ ज़्यादा कर रही है दूसरी कंबाइन से, लॉसेस कम है, परफॉर्मेंस अच्छी है। फिर हमने डिसीज़न किया कि हम पैडी सीज़न से पहले इस कंबाइन को अपने फार्म का हिस्सा बना लें। तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हमने इस कंबाइन को न्यू हॉलैंड ने हमें डिलीवर किया तो पैडी का सीज़न हमने इसके साथ किया है। हम 400 एकड़ हार्वेस्ट कर चुके हैं इस कंबाइन के साथ ऑलरेडी। तो आप देख सकते हैं, अगर आप पर्सनली भी देखना चाहें तो देख सकते हैं कि 400 एकड़ चलने के बाद ये कंबाइन ऐसा लग रही है कि जैसे अभी इसको यूज़ ही नहीं किया है। इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसके लॉसेज हैं, क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, वो इतनी अच्छी है कि वो दूसरी कंबाइन अगर आप एक सीज़न ही लगाया हो तो कंबाइन का पता चल जाता है ये जैसे कंबाइन ऑलरेडी 3-4 साल चल चुकी है। मगर इस कंबाइन में वैसा कुछ भी नहीं है, न्यू हॉलैंड ने अपना बेस्ट दिया है, जैसे वो ट्रैक्टर्स में देते आ रहे हैं वैसी ही उन लोगों ने कंबाइन बनाई है। तो इस कंबाइन में ज़्यादा विस्तार में आपको मेरा भाई गुरबीर आपको बताएगा कि कैसे ये कंबाइन अच्छी है, क्यों हमें न्यू हॉलैंड कंबाइन लेनी चाहिए और कैसे ये दूसरी कंबाइनों से डिफरेंट है। हम लोग यहाँ पे 3 फसलें ग्रो करते हैं जनरली। यहाँ पे हम लोग पैडी करते हैं, पोटैटो करते हैं, मिंट, और मिंट के साथ मेज भी करते हैं, आधा मिंट और आधा मेज। तो हमें 2 फसलों के लिए हार्वेस्टर की ज़रूरत पड़ती है, कंबाइन हार्वेस्टर की, एक तो पैडी के लिए, दूसरा मेज के लिए। सो उसके लिए हम लोगों ने एक कंबाइन हार्वेस्टर चूज़ किया जिसमें हमें उसकी एफिशिएंसी अच्छी लगी, जिसमें हमें उसकी क्लीनिंग, थ्रेशिंग और कटिंग तीनों प्रोसेस हमें उसके अच्छे लगे। सो उसी हिसाब से हमने देखते हुए हमने इस न्यू हॉलैंड के हार्वेस्टर को चूज़ किया। इसी पैडी सीज़न में हम लोगों ने ये न्यू हॉलैंड हार्वेस्टर बाय किया है। तो एक किसान है, किसान की खेती में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, कि वो अपनी खेती को जैसे मर्जी करता जाए तो उसको प्रॉफिट आता जाएगा, मगर नहीं, हमें आज काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना है। हम लोग बढ़िया प्लांटिंग भी करते हैं, महंगी से महंगी दवाइयाँ भी छिड़कते हैं, फर्टिलाइज़र भी देते हैं। जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तब हम लोग कोई बात नहीं, अगर थोड़े से ग्रेन लॉसेस भी हैं चलने दो या ग्रेन डैमेज हो रहा है कोई बात नहीं, तो उसमें क्या है, हमारा प्रॉफिट कम होता है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान दें कि ग्रेन लॉसेस कम करें, ग्रेन का डैमेजिंग जो है वो कम किया जाए, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो बहुत बढ़ सकता है। तो इस न्यू हॉलैंड के हार्वेस्टर में हमें इन चीज़ों का बहुत लगा कि इन चीज़ों को वो अच्छे से हमें सॉल्व करके देगी ये जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है। सो हमने न्यू हॉलैंड का हार्वेस्टर जो इसमें जब खेत में इसको चलाते हैं
तो चलाते वक्त जब इसका जो कटिंग का जो सारा सीन है, जो भी इसका हेडर है वो 15 फिट है, उसमें हमें जो कटिंग के हेडर में जो इन्होंने हमें दिया हुआ है उसमें जो रील में एक फीचर है कि उसकी रील का RPM है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जैसी भी आपकी स्पीड है चलाने की। सो ऊपर बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिक की स्विच है, प्लस माइनस दबाओ, जैसे मर्जी आप उसको बढ़ाओ जैसे मर्जी कम करो। सो ड्राइवर को बहुत कम्फर्टेबल भी है, क्विकली उसको बढ़ा या कम कर सकते हो। उसके बाद हमें आते हैं कि जो हेडर के लिए नीचे हाइड्रोलिक जैक्स दिए हुए हैं उसमें शॉक ऑब्जर्वर हैं। जब हमारा खेत में चलती है तो खेत में ऊंची या नीची जगह आती है, यहाँ पे इसको शॉक लगता है, एकदम से जर्क आती है, तो उस जर्क को कंट्रोल करने के लिए शॉक ऑब्जर्वर दिए गए हैं ताकि जो भी इसका हेडर है वो जो जैक्स हैं उसको कभी भी लीक ना करे। सो उसके लिए हमारे लिए ये भी एक बेनिफिट है। उसके बाद हमें अगर थ्रेशिंग की बात करें तो थ्रेशिंग में हमें 2 थ्रेशर दिए गए हैं, सबसे पहले थ्रेशर, फिर उसके बाद गाइड ड्रम, फिर थ्रेशर। जो पहला थ्रेशर है उसके जो RPMs है वो ऊपर के बैठ के एक स्विच लगी हुई है, वहाँ से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी फसल के हिसाब से। जैसे बासमती हार्वेस्ट कर रहे हो, शॉर्ट टाइम वैरायटी है जो भी पैडी की वो हार्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टाइम वैरायटी हार्वेस्ट कर, तो उसी के हिसाब से अपने हिसाब से आप लोग जो भी कर रहे हो क्रॉप उसी के हिसाब से उसको RPM को एडजस्ट कर सकते हो। तो उसकी पहले थ्रेशर ने उसको थ्रेशिंग की, गाइड ड्रम ने दूसरे थ्रेशर को उसको दे दिया जो भी बचता था स्ट्रॉ, उसमें से उसने थ्रेशिंग की, तो जो स्ट्रॉ वॉकर पे पहुंचेगा तो उसमें कोई भी ग्रेन नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें ग्रेन लॉसेस बहुत कम होते हैं, तो और ग्रेन डैमेज लॉस हम RPM उसके सेट करके वहाँ पर कम कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि इसमें थ्रेशर में चोकिंग नहीं होती कभी भी, क्योंकि इसके जो हेडर है उसमें हमें इन्होंने एक सेफ्टी बोल्ट दिया हुआ है, उसका जो भी आगे क्रॉप एंटर कर रहा है वो उसी हिसाब से उसको लेता है कि वो थ्रेशर में जाके उसके चोकिंग अगर अगर वहाँ पे उसको लगता है कि जो उसके एरिया से ज़्यादा उसमें एंटर कर रही है तो वो उसी हिसाब से वहाँ पे वो सेफ्टी बोल्ट है वो उसको कट कर देगा हेडर को, तो वो वहीं पे हमारा प्रोसेस रुक जाएगा ताकि हमारा थ्रेशर चोक ना हो। तो उस बोल्ट को दोबारा आप डालने में सिर्फ 2 या 3 मिनट लगते हैं और थ्रेशर की चोक निकालने में हमें 1 घंटा लग जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अपना टाइम सेव कर रहे हैं और प्लस हमारा कोई चीज़ ना टूटे उस चीज़ को भी हम बचा रहे हैं। उसके बाद हमारा रहता है क्लीनिंग प्रोसेस। क्लीनिंग में हमें 5 सीपें दी गई हैं और जो ब्लोअर की जो भी अपनी उसकी स्पीड है उसमें RPM कंट्रोलेबल हमें लीवर दिया हुआ है, तो ताकि हम जैसी भी फसल हम लोग कर रहे हैं हार्वेस्ट उसी हिसाब से हम ब्लोअर को स्पीड बढ़ा के या कम करके उसी हिसाब से हम उसकी क्लीनिंग प्रोसेस को चालू रखें ताकि हमारी क्लीनिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो। उसके साथ क्या है कि वहाँ पर हमारे ग्रेन लॉसेस कम हो जाएँ, अगर हमारी ग्रेन इसकी स्पीड भी ज़्यादा है उसमें भी ग्रेन लॉसेस हमें बढ़ते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग अपना क्लीनिंग भी अच्छी हो, ग्रेन लॉसेस भी ना, उसी हिसाब से हम लोग अपने RPM 1 मिनट के भी कम समय में एक लीवर लगा हुआ है यहाँ पे उसमें हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी एडवांटेज है। उसके बाद आता है जी पीछे SMS सिस्टम। SMS सिस्टम में हमें इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्विच दी गई है। उस इलेक्ट्रॉनिक स्विच में क्या है कि जब भी आप लोग खेत में एंटर करते हो तब हमने मान लो हार्वेस्टिंग चालू करनी है तब हमने मेन लीवर को ऑन किया तो साथ ही वो स्विच ऑन हो जाएगी और SMS वर्किंग में आ जाएगा। आप लोगों ने शट डाउन की कंबाइन और उसके बाद मेन लीवर ऑफ किया तो उसमें क्या है कि साथ ही वो स्विच ऑफ हो जाएगी और SMS ऑफ हो जाएगा, तो रास्ते में जब भी जाना है रोड पे तो SMS ऑफ रहेगा, बाकी कंबाइनों में ऐसा नहीं है। ये चीज़ डेंजरस भी है अगर SMS सड़कों पे चलते जा रहा है, तो ये चीज़ बहुत बहुत मैं बोलता हूँ कि बहुत बढ़िया है कि इन लोगों ने ऐसा एक सेटअप लगाया है इस कंबाइन में कि SMS हम लोग बंद कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग बात करो तो इसमें 130 हॉर्स पावर का इंजन है, उसमें क्या है कि कंबाइन की RPM ड्रॉपेज नहीं है। अगर कंबाइन में RPM ड्रॉपेज आ रही है तो उसमें ग्रेन डैमेज, कंबाइन चोक भी हो सकती है, प्लस ग्रेन लॉसेस भी आ सकते हैं पीछे, तो उस चीज़ की इसमें दिक्कत नहीं क्योंकि इंजन बड़ा है। और अगर मान लो खेत वेट कंडीशंस में भी है तब भी अगर खुबती भी है कंबाइन तब भी इसको कोई इतनी वो है नहीं है कि इसके RPM ड्रॉप हो जाएंगे। उसके बाद हम अगर ड्राइवर की कंफर्ट लेवल को देखें तो इसकी जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल है, जो लीवर्स हैं वो ऑपरेट करने के लिए बहुत कंफर्टेबल है। 2100 RPM पे चलती है कंबाइन, मगर इसमें वाइब्रेशन आप मान के चलो कि है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ड्राइवर के कंफर्ट के लिए अच्छी हैं। हमने एक सीज़न लगाया, 400 एकड़ हम लोगों ने हार्वेस्ट किया,
मगर इस सीज़न में हमने सिर्फ एक ही ड्राइवर से ये कंबाइन हमने चलवाई है, तो कोई दूसरा ड्राइवर नहीं था, तो वो ड्राइवर बड़ा बहुत खुश था। एक बंदे ने ही ये सारा हमारा सीज़न लगाया, तो उसमें भी 20-30 हज़ार रुपये हमने सेव किया। जो रेडिएटर है उसको साफ़ करने की हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें साफ़ करना ही नहीं है, कंबाइन अपने आप खुद अपना रेडिएटर खुद साफ़ करती है। सो ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए एक प्लस में है कि हमें ज़्यादा मैन पावर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है हार्वेस्टर चलाने के लिए। बाकी नंबर ऑफ़ एकड़ अगर आप देखो शाम तक, तो बाकी कंबाइनों से 2-3 एकड़ ज़्यादा ही हार्वेस्ट करके आएगी, जैसी भी कंडीशन में वो कर रही है उसी में ये। तो उसके बाद अगर आप बात करो मेज हार्वेस्टिंग की, मेज हार्वेस्टिंग में एक बड़ा बेनिफिट है कि हेडर बहुत बढ़िया है, हेडर एक भी छल्ली बीच में नहीं छोड़ता, कि उसमें क्या हो कि आपको खेत में बाप दोबारा लेबर लगा के वहाँ से आपको इकट्ठी करनी पड़े, तो वो भी एक देखने वाली चीज़ है। उसके बाद वो ग्रेन डैमेज लॉस नहीं है इसके मक्की के लिए, बिल्कुल कोई भी ग्रेन डैमेज नहीं करेगी आपका। उसके बाद जो भी उसका पीछे में गुल है छल्ली का, वो भी आप बड़ी आसानी से इसमें पीछे नेट लगा के वो कलेक्ट कर सकते हो, ताकि वो आप उसको आगे भी यूज़ कर सकों, फैक्ट्रीज में सेल आउट कर सकों, उसमें से भी आप पैसा कमा सकते हो। ये कंबाइन बाकी हार्वेस्टर्स के कंपैरेटिवली इन चीज़ों में बढ़िया है। और एक चीज़ ये है कि अगर कंबाइन खरीदनी है तो हमें इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी खेती को प्रॉफिटेबल बना सकें।